नमस्कार दोस्तों, आन विदार के में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और इस बार हम लेकर आए हैं कुछ ताज़ा खबरें बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में, देश दुनिया में क्या चल रहा है बिटकॉइन के बारे में, जिससे आप अवगत रहें। और कोशिश करूंगा मैं आपको कंटिन्यूस आपको अपडेट करता रहूं बिटकॉइन के लिए कि विश्व में, पूरे वर्ल्ड में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या हालात चल रहे हैं, क्या नई नई खबरें आ रही हैं, ये मैं आपको देता रहूँ। तो शुरू करता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस पिछले हफ्ते से काफ़ी नीचे गया है, और पहले आपने देखा होगा 19 तारीख के करीब ये बिटकॉइन की कीमत जो थी वो 4100 के आसपास थी, और आज ये बिटकॉइन की कीमत हो गई है 3500 के आसपास, 3550। इसी तरीके से इथेरियम जो था वो 295 क्रॉस कर गया था और 18-19 तारीख के आसपास, लेकिन ये बिटकॉइन, ये इथेरियम जो है अब 252 के आसपास पहुंच गया है। अच्छा, इसी तरीके से बिटकॉइन कैश भी बहुत नीचे गिरा है, 530 पे चल रहा था 18-19 तारीख के आसपास, लेकिन ये अब हो गया है 399-400 के आसपास। और लाइटकॉइन की पोजीशन थोड़ी सी अच्छी रही है, ज़्यादा गिरा नहीं है, ये 55 पे था, $55 पे था, और अब आके ये चल रहा है $45 पर। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये नीचे डाउनफॉल क्यों जा रहा है बिटकॉइन का, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो वर्ल्ड कम्युनिटी है वो कंफ्यूज है, अभी वो ये समझ नहीं पा रही है। चाइना अभी बहुत क्लियर कट कोई मैसेज नहीं दे पा रहा है कि उसको बिटकॉइन को बैन करना है या रेगुलेट करना है या उसके कुछ नियम बनाने हैं, तो अभी वहाँ से कुछ ऐसी क्लियर कट खबरें नहीं आ पा रही है, इसलिए जो है कम्युनिटी डरी हुई है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि आपको मैंने बताया था कि एक जेपी मॉर्गन बैंक जो है अमेरिका में, उनके एक जो सीईओ है जामिन डोमिन ने पिछले हफ्ते से 8-10 दिन पहले बिटकॉइन को फ्रॉड बोल दिया था। और उस समय क्या हुआ था कि बिटकॉइन सीधा 3000 से भी नीचे जाके डाउन गिर गया था और सारी तरफ एक डर का माहौल हो गया था। लेकिन आपको एक अच्छी खबर दूं कि यही मिस्टर डोमिन जो है उन्होंने क्या किया कि उसी समय उन्होंने बिटकॉइन बेस एक्सचेंज के जो ट्रेड नोट होते हैं उनमें बहुत सारा पैसा लगाया। मतलब जो बिटकॉइन बेस ट्रेड नोट हैं जो उसकी एल्गो पे चलते हैं उसमें उन्होंने काफी अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया है, ये पता लगा है। और ये वर्ल्ड में फैल भी गई थी बात कि मिस्टर डोमिन ने पैसा इन्वेस्ट किया है, एक तरीके से बिटकॉइन के ही अंदर किया है, ठीक है, बिटकॉइन में डायरेक्ट ना करके उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो टोकन्स हैं, उनमें उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया। तो ये चीज छुपी नहीं रही। और उसके बाद क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि बिटकॉइन ने कुछ रिकवर किया अपनी कीमत को और बिटकॉइन आगे बढ़ा, 410 के आसपास पहुंच गया। लेकिन अभी क्या पोजीशन हुई कि फिर धीरे से 2-3 दिन में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ये 400 के नीचे आया, 3900 डॉलर पे, 3800 पे, और अब आके ये चल रहा है करीबन 3550 डॉलर। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है। और एक मैं आपको आज अच्छी खबर बताने जा रहा हूँ, अच्छी खबर बिटकॉइन से रिलेटेड ये है कि चार्ली ली, शायद आपने नाम सुना हो चार्ली ली का, चार्ली ली जो है वो फाउंडर हैं लाइटकॉइन के, उन्होंने ट्वीट किया है और उनसे लोगों ने बात भी की है, उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि चाइना बिटकॉइन को बैन करने नहीं जा रहा है। ये उनके पास कहीं से इंफॉर्मेशन आई है, जिस इंफॉर्मेशन को उन्होंने बोला है कि चाइना बिटकॉइन को ब्लॉक करने नहीं जा रहा, बैन करने नहीं जा रहा है, और ना ही माइनिंग ऑपरेशन को रोकने जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, अगर ये खबर सच निकलती है तो बिटकॉइन कम्युनिटी के लिए, लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिटकॉइन की कीमत बहुत बढ़ेगी आगे। और इसमें मेरे तरफ से भी, मुझे जो लगता है, क्योंकि जो मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि एक
जो ट्रेडर्स का ग्रुप है उन्होंने ये रूमर उड़ाया हुआ है कि बिटकॉइन को चाइना ब्लॉक बंद कर रहा है, बैन कर रहा है, जिससे बिटकॉइन की कीमत डाउन जाए और वो परचेज कर लें। इसके पीछे अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि जैसे जेपी मॉर्गन के एक सीईओ है, उन्होंने सीधा सीधा बिटकॉइन नोट में पैसा लगा दिया। तो ये भी आप नेट पे सर्च करेंगे आपको ये सारी खबरें मिलेंगी। उन्होंने जिस कंपनी ने उसमें जो उनकी सब्सिडरी कंपनी है उस कंपनी का नाम है जेपी मॉर्गन सिक्योरिटी, उसने इसमें पैसा लगाया। तो ये आप खबर वेरीफाई कर सकते हैं नेट पर। और अगली खबर मैं लेने जा रहा हूं कि एक बहुत अच्छी खबर है कि अमेरिका में जितने भी यंगस्टर्स हैं उन सबका इंटरेस्ट इस समय बिटकॉइन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बहुत ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें पैसा कमाना चाह रहे हैं। मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट का एक अच्छा साधन उनको अमेरिका में बिटकॉइन नजर आ रहा है। दूसरी खबर मैं आपको एक और अच्छी खबर देने जा रहा हूं कि रशिया ने इनवाइट किया है बिटकॉइन माइनर्स को अपने अपने कंट्री में लगाने के लिए। और उन्होंने अपना सिटी जो उन्होंने बोला है उसका नाम है लेनिन ग्रेड। रशिया बोलता है कि आप लेनिन ग्रेड में आइए, माइनर्स को उन्होंने इनवाइट किया है कि आप लेनिन ग्रेड में आइए, हम आपको सहूलियत देंगे और आप यहां माइनिंग कीजिए। लेकिन इसी के साथ जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि रशिया जो है उसमें उनके जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो रेगुलेशन लेके आने वाले हैं बिटकॉइन को रेगुलेट करने के लिए। तो इसी खबर के चलते हुए वहां की बैंक्स ने उनको अपोज किया है कि सर आप बिटकॉइन को रेगुलेट मत कीजिए, अगर रेगुलेट करेंगे तो बैंकों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी, उनका धंधा कम हो जाए। तो ये खबर है। दूसरी मैं आपको खबर आपको बता रहा हूं कि एक वेबसाइट है एक्सपीडिया, आपने नाम सुना होगा। एक्सपीडिया वेबसाइट ने अभी अभी जो नई ताजा खबर आ रही है उसने बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और वो इसलिए कर दिया है कि वो अपना ग्लोबल एक्सपेंशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वर्ल्ड से सारे लोग उनकी वेबसाइट पे जाएं और उनको अपना बिजनेस उनका वो अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं ग्लोबल। तो मैंने आपको अभी तक बहुत सारी खबरें बताई और अगली खबर मैं आपको लेने जा रहा हूं जापान की एक खबर आ रही है कि जितनी भी वहां जापान की ट्रेवल एजेंसियां हैं वो सारी की सारी बिटकॉइन में काम कर रही हैं, और वो जो ऑफर दे रही हैं लोगों के लिए वो भी बिटकॉइन में दे रही हैं। तो जापान में तो आपको पता ही है कि ये रेगुलाइज हो गया है और वहां काम अच्छी तरीके से चल रहा है, लोग उससे परचेज करते हैं, चाय कॉफी खरीदते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं वहां, हर जगह है। लेकिन ये एक अभी ताजा खबर आई है जो मैंने आपको बता दी है। तो आपको इसी तरीके से मैं आपको हमेशा कोशिश करूंगा कि बिटकॉइन से रिलेटेड जितनी भी नई खबरें हैं विश्व में क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा है ये भी देता रहूं, साथ में आपको माइनिंग से रिलेटेड भी आपको अपडेट देता रहूं कि क्या क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है माइनिंग के लिए, कौन कौन से क्रिप्टो कॉइन जो हैं वो प्रॉफिटेबल हैं आपको माइनिंग करने के लिए, और भी कोई भी अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो उस बटन को दबा के जो घंटी नजर आती है उसको भी क्लिक करें, जिससे क्या होगा कि आपको हमेशा जो लेटेस्ट न्यूज है बिटकॉइन से और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वो आपको हमेशा मिलती रहेगी और लेटेस्ट खबर देंगे आपको। कोशिश करूंगा कि मैं डेली वीडियो बनाऊं, बीच में काफी बिजी भी हो जाता हूं तो इसलिए नहीं दे पाता। अभी आगे से कोशिश करूंगा कि जो डेली न्यूज आ रही है वो आपको मैं देता रहूं। नमस्कार।